पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 12 साल से लेकर 45 ईयर्स तक की एज की तमाम ख्वातीन को उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह ज़रूर अफेक्ट करता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट ओपीडी में आते हैं, पहले भी डिस्कशन हो चुकी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। पूरी दुनिया में जब भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को मैनेज किया जाता है, चाहे पेशेंट की कंप्लेन कोई भी हो, चाहे पेशेंट की कंप्लेन उसके पीरियड्स का ना आना है, चाहे पेशेंट की कंप्लेन एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ की है, एक्नी की है, या सब फर्टिलिटी यानी बांझपन की है, पूरी दुनिया में जब भी गायनेकोलॉजिस्ट उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट रिडक्शन की बात करते हैं। क्लिनिक में जब भी मरीज़ को कहा जाता है कि आप अपना वेट रिड्यूस करें, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करें, तो एक ही जवाब होता है कि ये बहुत मुश्किल है। एंड बिलीव मी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में वेट रिडक्शन एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हुए हुए हैं। यही वजह है कि आज अपने पेशेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए मैंने अपने साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट को इनवाइट किया है, ताकि वो हमें गाइड कर सकें कि वो कौन सी डाइट्स हैं जिनको यूज़ करके, या वो लाइफस्टाइल में वो कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जिनको करके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं वो अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, और ये वेट रिडक्शन या वेट मैनेजमेंट ऐसी होगी कि दोबारा वेट रीगेन ना हो। तो हम बात करते हैं डॉक्टर ज़ैनब गोदल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ। आप काइंडली गाइड करेंगी हमें कि हमारे जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं वो किस तरह से अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, पीसीओएस के पेशेंट्स हमेशा यही कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि वेट लॉस नहीं होता, तो मैं सबसे पहली रिकमेंडेशन जो उन्हें देती हूँ वो यही देती हूँ कि आपने सारा दिन बैठ के नहीं गुजारना, थोड़ा बहुत चहलकदमी आप करते रहें। जो काम आप बैठ के कर सकते हैं वो खड़े होके करें, जो खड़े होके कर सकते हैं वो कोशिश करें चल के करें। आप अगर पूरे दिन में मैक्सिमम भी आप अपने स्टेप्स लेके जाएं तो आपने 10,000 स्टेप्स करने हैं। अगर आप 10,000 स्टेप्स कर लें तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए वेट रिड्यूस करना। दूसरी चीज़ इसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, जो हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं और हमें लगता है कि ये तो बड़ी आम सी चीज़ है, इससे क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये कि अपने आप को पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं, जो कि 10 से 12 ग्लास हो मिनिमम, और उसके साथ आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रूट जूसेस और जो भी होगा वो आपके पानी का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि पीसीओएस के पेशेंट्स जो हैं वो कोशिश करें कि फ्रूट जूसेस की तरफ ना जाए, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलरेडी बहुत हाई होता है, तो वो फिर उनको बहुत तंग करता है। अगर उन्होंने वेट लॉस के लिए कोई जूस ही यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स बड़ा स्टबन होते हैं और उन्हें ये होता है कि कोई जूस कोई टोटका ज़रूर हो, तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ आप करेले का जूस पी लें जो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी क्योर करे और मैनेजमेंट करे। तो इसमें फिर आता है कि जी कड़वा होता है, ऐसे होता है, तो उसमें मैक्सिमम 2-3 अगर मैक्सिमम स्टार्ट कर रहे हैं उसके सिप से स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लें, तो वो बड़ा हेल्प आउट करता है। इसके साथ तीसरी चीज़ जो लोगों में एक बड़ी आती है वो ये कि हम स्टार्ट जब कराते हैं वेट लॉस पीसीओएस के पेशेंट में स्पेशली, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि रोटी चावल बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट ना कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज ये है ना कि जब डाइट स्टार्ट करनी है पहले दिन रोटी भी बंद, चावल बंद, मीठा बंद, हर चीज़ बंद और ख़त्म, कुछ नहीं करना। बिल्कुल। और सेकेंड वीक में हर चीज़ स्टार्ट कर लेनी है। Exactly. तो वो जितना वेट लॉस है वो दोबारा से गेन हो जाता है। एक चीज़ जिसको हम सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्ट करते हैं, पानी के साथ ही मैं उसे मिलाना चाहूँगी, हम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं। एग्जैक्टली। पीसीओएस का पेशेंट जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीना अपनी लाइफ में आई थिंक भूल जाए, इस चीज़ को भुला दे कि मैं कभी ये चीज़ भी स्टार्ट कर सकता। वैसे भी जनरल लाइफ में भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो इन्हें हम हिडन शुगर्स कहते हैं, हिडन शुगरी ड्रिंक्स, ये अवॉइड करनी चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ स्टेप अप किया जा सके। बिल्कुल। और अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की ही बात की जाए तो चाहे वो कोई भी है, चाहे काली है, नीली है, वाइट है, सब ही बुरी हैं। और उसमें अगर शुगर की इंटेक की बात की जाए तो एक ग्लास में ऑलमोस्ट 9 टेबल स्पून शुगर आती है,
और लोग अच्छा यहाँ पे बड़ा अच्छा जवाब देते हैं, तो डॉक्टर साहब मैं डाइट ले लेता हूँ जी। डाइट जो है उसमें 6 चम्मच चीनी है, और एक औरत की अगर हम बात करें तो उसने पूरे दिन में 6 चम्मच चीनी लेनी है, और एक मर्द की बात करें तो वो मैक्सिमम 7 चम्मच ले सकता है। तो मैं यहाँ ये सवाल करती हूँ लोगों से कि क्या आप सारा दिन एक बोतल के ग्लास पे गुजार सकते हैं, नॉट क्योंकि पॉसिबल। रोटी में भी चीनी है, आप जो भी कुछ साथ खा रहे हैं वो भी चीनी ही जा रही है आपकी बॉडी में। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा मसला पीसीओएस के पेशेंट में क्या सारे पेशेंट्स में ही आता है वो ये है कि मैं जंक फूड तो नहीं छोड़ सकता, और जंक फूड के साथ बोतल तो लाजमी है जी, मेरी हजम ही नहीं होती डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ पे रुक जाता है। मैं खाना कहती हूँ तो आप फास्ट फूड छोड़ दें, आप फास्ट फूड छोड़ दें, घर का बिल्कुल खाना खाएं, घर के खाने में आपके पास कितनी वेराइटी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें। अब पोर्शन कंट्रोल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सबसे पहले मैंने वो चीज़ें डिफाइन कर दी कि ये खाएं ये ना खाएं। पोर्शन कंट्रोल में अगर आप फाइबर का इंटेक, जैसे सैलड्स हैं जिसमें खीरा है, प्याज है, टमाटर है, चुकंदर आता है, ब्लड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, अगर आप उनको यूज़ करें तो आई थिंक पीसीओएस बड़ा इजीली ट्रीट हो सकता है, और एग्जैक्टली वेट लॉस बहुत ईजी है उसमें करना। बिल्कुल। सो बेसिकली जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स या ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है या एसोसिएटेड थायराइड या डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए फर्स्ट चीज़ ये है कि वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स और इन सब चीज़ों को वो अवॉइड करेंगे, और सेकेंडली उन्होंने अपनी डाइट को सिंप्लीफाई करना है और अपने पोर्शंस को कट डाउन करना है। एग्जैक्टली ओके जैनब, आपसे ये पूछना था कि ओपीडीज में पेशेंट्स आते हैं पॉलीसिस्टिक के साथ, तो उनका एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है, मुझे भी अब इसका नहीं पता कि वेदर इट इज़ ट्रू और जस्ट अ मिथ, कि हमने दूध नहीं पीना या कुछ ऐसे फल हैं जो इस्तेमाल नहीं करने, कि जी हमें डॉक्टर ने कहा है कि आपको पीसीओज है तो आपने ये यूज़ नहीं करना, क्या ऐसा कुछ ट्रूथ है या जस्ट एक मिथ है? ये बिल्कुल एक मिथ है। वो तो हम दूसरी तरफ बात करें तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर जी आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो जाहिर है वो हमें तंग करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ग्लास दूध पूरे दिन में पिए तो वो आपके पीसीओएस को क्या, आपकी किसी भी डिजीज़ को तंग नहीं करेगा। इवन बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी दूध से मेरा तो वज़न ही बढ़ जाता है। जी बिल्कुल दूध से आपका वज़न नहीं बढ़ता, वो नेचुरल शुगर है। नो डाउट हम शुगर्स मना करते हैं, लेकिन वो नेचुरल शुगर है, आप उसका कंजम्पशन बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स ऐसे हों जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मना हो, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल करके, अपने आप को मैनेज करके हर चीज़ खाएं और ज़िंदगी को इंजॉय करें। सो बेसिकली आज की डिस्कशन का जो क्रस्क है वो ये है कि आपने रिफाइंड शुगर्स, बेकरी आइटम्स और किसी भी चीज़ की एक्सेस को अवॉइड करना है, आपने अपने पोर्शंस को कंट्रोल में रखना है ताकि जो भी एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो गई है उसको कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।